हाँ, ये जरूर है कि आस्था है, 90% लोगों की आस्था है, राम को भी वो मानते हैं, पूजा भी करते हैं, लेकिन वो भारतीय जनता पार्टी के वोटर हैं ये जरूरी नहीं। उसको जुड़ने के दूसरे बहुत सारे कारण हैं, जैसे संजय निषाद हैं तो वो करीब करीब 8 से 11-12% तक वो आबादी है पूरी, निषाद कम्युनिटी, निषाद बरादरी मैं कह रहा हूँ, तो वो है। ओम प्रकाश राजभर के जरिए, राजभर ही नहीं, चौहान, राजभर, बिंद, कहार, ये तमाम जो जातियां हैं उनको वो अपने साथ जोड़ते हैं। उसी तरह से नॉन जाटों में, चाहे कोरी हो, पासी हो, धोबी हो, ये तमाम जातियां उनके साथ जुड़ती हैं। मूल वजह वही है कि अगर विपक्षी गठबंधन तैयार होकर के आता है, और रही बात मोदी जी की कि वो टेक ऑफ कर चुके हैं, वो लैंड कब करते हैं, वो हमेशा ही चुनावी मोड में रहते हैं, वो चाहे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, चाहे नगर पालिका का, वो तो हमेशा चुनावी मोड में रहते हैं। अब समस्या ये है कि नीतीश कुमार अगर आते हैं और उस अवध की बेल्ट में घेरते हैं, तो आपको आश्चर्य नहीं होगा कि अगर यहां भी बीजेपी लूज कर जाए। मैं उसी जगह की बात कर रहा हूं, अयोध्या के जी आसपास की, क्योंकि वो कोरी, वो वहां पर कुर्मी बेल्ट है और नीतीश कुमार की चर्चा बेहद ज्यादा है, तो वो एक फैक्टर होगा। फिर राहुल गांधी होंगे, और खड़गे जी के भी चुनाव लड़ने की बात हो रही है, वो बिजनौर से लड़ते हैं कि नगीना से लड़े या कहीं और से लड़े, लेकिन दलित वोटों में ये पहली मर्तबा ये बात जा रही है कि साहब दलित पीएम हो सकता है। अब बराक ओबामा जब हुए थे उस समय चर्चा हुई थी क्या मायावती पीएम हो सकती है भारत में भी, क्या ऐसा होगा, लेकिन अब फिर से वो जमीन पर चर्चा हो रही है दलितों में खास करके, और जाटों में, जाटों में इसलिए कह रहा हूं कि वो सबसे सचेत जाति है, सबसे ज्यादा जागरूक जाति है, वो मायावती को भी देख रहा है कि मायावती ने एक तरह से हथियार डाल दिए हैं, और अब मायावती जी हो या खड़गे जी हो, उसे इससे फर्क पड़ रहा है कि साहब अगर दलित पीएम होता है तो हम उसके लिए वोट करें, तो वो इंडिया अलायंस के साथ जाएंगे। अब आप जाटव भी है वो भी आस्थावादी है, या यादव बहुत नहीं, आस्थावादी है, आपके कहने का मतलब ये कि जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन हो रहा है इसका कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। आप देख रहे हैं नहीं टेलीविजन में पड़ेगा। किस तरीके से स्थितियां दिखाई पड़ रही हैं, किस तरीके से वहां पे सारी चीजें पेश की जा रही हैं। तो वो एक कितना भव्य आयोजन होगा अगले 1 महीने तक, कि उससे किसी एक आम आस्थावादी धार्मिक व्यक्ति का निकलना मुश्किल हो जाएगा। तो और उसके मोमेंटम पे आप क्या उसको डिस्काउंट करते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूं ना कि 90% से ज्यादा लोग आस्थावादी हैं। अब कांवड़ ढोने वाले आपको यादव भी मिलेंगे उत्तर प्रदेश में, लेकिन वो वोटर तो समाजवादी पार्टी के हैं। जाटव भी आपको मिलेंगे जो राम भक्त हैं, पूजा करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो वोट करेंगे बीजेपी को। वोट वही करेंगे जिनके, जिनका प्रतिनिधित्व तो होगा बीजेपी में, चाहे ठीक है, राजभर हो, और इस आधार पर हम ये नहीं कह सकते कि राजभर साहब सांप्रदायिक है, राजभर हो, निषाद हो, बिंद हो, केबट हो, विश्वकर्मा हो, नाई हो, तेली हो, ये जातियां या दलितों में हो, मूल वजह है कि उसने लीडरशिप दी है और उनके मुंह पर पट्टी बांध दी है, तो वो ना रिजर्वेशन पर बोलेंगे, ना नौकरियों पर बोलेंगे, ना एजुकेशन पर बोलेंगे, ना हेल्थ पर बोलेंगे। उनको इसी के लिए टिकट विकट दिया जा रहा है, उनको इसीलिए मुकुट पहनाया जा रहा है कि आप बने रहिए, बस हनुमान बने रहिए, सेवा करिए, आप मांगिए नहीं अपना अधिकार। अगर ये बात जनता तक लेकर के पहुंच जाए इंडिया गठबंधन के लोग, बिना किसी, मैं नहीं समझता जैसे स्वामी प्रसाद मौर्य बोल रहे कोई जरूरत नहीं है, भाई आस्था तो सबकी, आप क्यों रोज रोज हिंदू धर्म पर, हिंदू धर्म पर बोलते रहते हैं। बिना इसके आप लोगों के जो बुनियादी सवाल है उनको उठा सकते हैं, वो आप ठीक है, उठाएंगे तो लोग चाहते हैं कि बदलाव हो, ये लोगों के जेहन में है, ठीक है, बदलाव जेहन में है, क्योंकि इस देश का मिजाज है कि वो 10 साल देते हैं। मैं पहले भी कह चुका हूं, मनमोहन सिंह जैसे प्रधानमंत्री को भी लोगों ने 10 साल दिया, मोदी जी को भी आजमाया कि नहीं साहब 2 बार तो कम से कम मौका देना चाहिए, तीसरी बार में लोग सोचते हैं बदलाव के लिए, अब वो कितना हो पाता है इस पर निर्भर करता है। बिल्कुल। पीयूष, आप फील्ड में लगातार रहते हैं, लगातार आप सर्वे सर्वे करते रहते हैं। ये महज सिर्फ हिंदुत्व की राजनीति जिसकी वजह से बीजेपी सत्ता में आती है, जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को बहुमत मिलता है, या कुछ और भी है इसके पीछे? जी असदुद्दीन, पहले तो मैं कहूंगा कि बीजेपी का जो आपका जो कोर यूएसपी है वो तो हिंदुत्व है, मोदी जी है और राष्ट्रवाद है। लेकिन दूसरा एक और चीज हमने देखने को मिला है कि वहां पे जो वोटर है,
इश्यूज वहां पे भी है, मुद्दे हैं, लेकिन कोई अपोजिशन नहीं है जो उसको उठाए। तो ये एक बहुत कॉमन है। मैं आपको इसी एक चीज पे आपको मैं कहूंगा कि जब मैं गुजरात में था, गुजरात के चुनाव के समय, तो वहां पे महंगाई का मुद्दा बहुत बड़ा था। तो इसीलिए जब वहां पे आम आदमी पार्टी आई, जो कि 14% वहां पे गेन की, उन्होंने इस मुद्दे को बहुत उठाया था कि भाई महंगाई है, महंगाई है, महंगाई है, बेरोजगारी है। तो ऐसा नहीं है कि मुद्दे नहीं है, मुद्दे बेशक ग्राउंड पे, पर कोई अपोजिशन जो है वो उसको उठा नहीं रहा है। तो मैं ऐसा नहीं कहूंगा कि पूरा का पूरा बीजेपी का ही आपका स्ट्रेटेजी है। अगर अपोजिशन जो है वो बहुत ज्यादा माइनस में चल रहा है, वो ना मुद्दों को सही से उठा पा रहा है, ना केंद्र को या फिर जो वहां पे सरकार उसको घेर पा रहा है, तो वहां पे वो बिल्कुल भी विफल रहा है। तो हिंदुत्व का ही पूरा मुद्दा नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कहूंगा कि देखिए हमें बहुत सारे लोग ऐसे मिले। मैं आपको एक शॉकिंग या फिर सरप्राइजिंग एलिमेंट बताता हूं कि इनफैक्ट हमें कुछ माइनॉरिटीज के भी लोग मिले हैं जो कि बीजेपी को वोट करता है, ये कह के कि भाई हम तो डेवलपमेंट को देख के वोट करते हैं, हम रिलीजन को देख के वोट नहीं करते हैं। तो सिर्फ ऐसा नहीं कह सकते कि सिर्फ हिंदुत्व ही एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बेशक बहुत बड़ा मुद्दा है, पर 100% नहीं है वो। अगर 50 या 60% होगा तो बाकी लोग डेवलपमेंट को कोई कहता है कि भाई इनके डेवलपमेंट हुआ, लोग काम भी गिनाते हैं। ऐसा नहीं है कि काम नहीं गिनाते, सरकार के आर्टिकल 370 को गिनाते हैं या फिर ग्रो अपनी जब ग्लोबली जो इंडिया की छवि बनी उसको गिनाते हैं, तो काम भी गिनाते हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि हिंदुत्व के नाम पे 100% वोट जा रहा है। क्या महंगाई और बेरोजगारी का सवाल जमीन पे नहीं है? क्या उसके लिए वो किसको जिम्मेदार ठहरा, राज्य सरकार को जिम्मेदार ठहराते हैं या प्रधानमंत्री को जिम्मेदार ठहराते हैं? लोग क्या कहते हैं ग्राउंड पे? देखिए जो महंगाई है, मैं अगर आपको ये कहूं कि जो कांग्रेस का वोटर है वो ऑब्वियसली, अगर आप उसको ये पूछते हो कांग्रेस का हो या फिर किसी भी क्षेत्रीय पार्टी का हो, अगर उसको आप पूछेंगे तो वो आपको मुद्दे खुल के बताएगा। मुद्दा बीजेपी वोटर का भी है, पर उनका सबसे बड़ा ये है कि भाई हम इसको कोई ठीक नहीं कर सकता है। मतलब उनको ये तो माइंड में आ गया कि भाई विपक्ष जो है वो अगर पावर में भी आएगी तो वो भी ठीक नहीं कर सकती है। ये बहुत ही क्लियर नरेटिव है, विकल्प नहीं उनके पास। उनको लगता है कि ये नहीं ठीक कर सकते, अगर महंगाई है तो अगर कांग्रेस भी आ जाएगी तो कैसे ठीक करेगी, वो तो हमेशा रहेगी। अगर बेरोजगारी है तो वो कांग्रेस आएगी तो क्या ठीक कर लेगी, वो तो रहेगी। तो इसलिए हमने देखा है कि मुद्दा है महंगाई और बेरोजगारी, बहुत बड़ा मुद्दा है ग्राउंड पे। ये आपको हर जगह मिलेगा, अक्रॉस इंडिया मिलेगा, असेंबली इलेक्शन में मिलेगा, लोकसभा इलेक्शन में भी हमको मिलता है, पर मुद्दे पे वोट नहीं जा रहा है। वोट जो है वो आपका बेसिकली पीएम फेस पे जा रहा है, और आपका जो है मतलब आपका पार्टी का ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रेंथ कैसा है, कैसे काम कर रही है, उस पे जा रहा है। मोदी के बारे में क्या छवि है लोगों के बीच में? जी मोदी को लेके काफी नहीं, देखिए ये आप पे मैं आपको एक चीज कहूंगा कि यहाँ पे दो डिवाइड है। एक पहला डिवाइड है जो बीजेपी का, बीजेपी का वोटर जो है उसको आप कभी पूछे उनके उसमें कोई संदेह नहीं है, वो पूरा पॉजिटिव वो है। फिर आपका कांग्रेस या फिर अदर उसका पार्टीज का कहूंगा, वहां पे आपको नेगेटिव मिलता है भाई, वहां पे जो भी है। लेकिन कांग्रेस और हमने अदर रीजनल पार्टीज में देखा है कि अगर मान लीजिए कि अगर कांग्रेस का या फिर इंडिया गठबंधन का मैं अगर कहूँ 40% उनका वोट शेयर है, और उसको अगर मैं 100% में कन्वर्ट करूं, तो उस 100% में 60% ऐसे होंगे जो कि नेगेटिव बोलते हैं, 40% ऐसे जो कि पॉजिटिव बोलते हैं। भाई देखिए उनका वोट कांग्रेस को रीजनल पार्टी इसलिए क्योंकि वो कहते हैं भाई हम ट्रेडिशनल वोटर हैं इनको, या फिर हम अपने जाति के आधार पर वोट करते हैं। बाकी मोदी को लेके 40% नॉन बीजेपी वोटर भी है वो पॉजिटिव इमेज रखते हैं, वो पॉजिटिव इमेज रखते हैं। जी जी आशुतोष जी, मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहूंगी, जो महंगाई और बेरोजगारी पे आपने पीयूष जी से बात की, महंगाई और बेरोजगारी आज के डेट में सबसे बड़ा मुद्दा है इस देश में। और हमें तो तरस आता है इंडिया अलायंस की पार्टीज पे कि वो इसको इतनी मजबूती से उठा क्यों नहीं पा रहे हैं, क्योंकि अगर आप फ्यूचर जनरेशन के उसके भविष्य के लिए, हमारे जो यंगस्टर्स हैं उनके भविष्य के ऊपर सोच करके एक नैरेटिव गढ़ेंगे और उनको ये एक विश्वास दिलाएंगे कि 10 सालों में जो बेरोजगारी बढ़ी है उसको हम टैकल करेंगे और उसके लिए कोई प्लान ऑफ एक्शन देंगे, तो बिल्कुल लोग सुनेंगे और बिल्कुल लोग उसको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, आस्था अपनी जगह पे है, लोग राम मंदिर में बड़ी श्रद्धा से, जो नई भी बीजेपी के वोटर है वो जरूर सर झुकाएंगे और वहां जाके प्रसाद चढ़ाएंगे, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि घर पे अगर उनका बेरोजगार बेटा बैठा है, बेटी बैठी है, तो वो उसकी चिंता नहीं है, लोगों को उसके भविष्य की चिंता है। तो ये एक नैरेटिव है जो कि ऑपोजिशन पता नहीं क्यों ठीक से मजबूती से उठा ही नहीं पा रहा है। बिल्कुल ओम सनी साहब, ये जो विपक्ष के बारे में बार बार कहा जाता है, इतने बड़े बड़े नेता हैं, वो क्यों असफल हैं बेरोजगारी और महंगाई को मुद्दा बनाने के लिए? वो उनकी असफलता का कारण आपको क्या दिखाई पड़ता है? ममता बनर्जी कोई छोटी नेता नहीं है, नीतीश कुमार कोई छोटे नेता नहीं है, अखिलेश यादव भी ठीक ठाक नेता है, स्टालिन है, सब लोग हैं। अगर ये सब मिलकर उठाना चाहें तो एक बड़ा मुद्दा बना सकते हैं, एक आंदोलन क्रिएट कर सकते हैं, बट नहीं कर पा रहे। और ये शायद
नरेंद्र मोदी या बीजेपी के लिए सबसे बड़ा एडवांटेजियस चीजें हैं? नहीं आशुतोष जी, देखिए राजस्थान के विधानसभा का चुनाव जो मैंने देखा है, जिसमें सोशल गारंटीज का अपना मीनिंग था, महंगाई कंट्रोल करने के लिए महंगाई राहत केंद्र और सब स्टार्ट किए थे, ये सारी चीजें जो 7-8 उनकी गारंटीज थी वो इतनी इफेक्टिव रही हैं कि अगर इनके अंदरूनी झगड़े नहीं होते, 40 सीटें तो अंदरूनी झगड़ों से नष्ट हो गई। यानी सचिन पायलट के साथ में टेंशन, तो उनकी पूरी जमात एक तरीके से नाराजगी के साथ में चली गई। उनके बहुत बेहतर वो आए हैं, और आज भी बता रहा हूँ कि ये जो 70 सीटें मिली हैं बड़ी जज के मिली हैं, ऐसा नहीं है। इन सारी चीज़ों का बड़ा असर पड़ता है, और ये अशोक गहलोत की लीडरशिप में ये सारा हुआ ना सब। और जयपुर जैसे शहर में जहाँ 2 मुसलमान लड़के जीते हैं, अमीन कागजी और रफीक अहमद, जो मतलब बड़ा मुश्किल है। हमारा शहर तो बड़ा सांप्रदायिक सिलसिला बना हुआ था, वहाँ गदा लेके एक महंत घूम रहे थे जो कि इलेक्ट हुए हैं। तो ये ऐसा नहीं है, इतना कुछ भी नहीं है। ये तो ये काम किया है उन लोगों ने, लेकिन मैं इंडिया गठबंधन वाले सिलसिले पे आके, क्योंकि लोकसभा का सीन बहुत अलग होगा, तो लोकसभा के सीन के लिए इंडिया गठबंधन का एक्टिव होना बड़ा जरूरी है। और मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अब जो 5-7 लोग हैं इंडिया गठबंधन के लिए काम करेंगे इसके अंदर, जैसे अशोक गहलोत भी उसमें जुड़ने जा रहे हैं, उनके पास में राजस्थान की जातियों का बड़ा बेहतरीन अध्ययन है, और वो बहुत सलीके से इस्तेमाल करते हैं। और जो अड़चन हो सकती थी वो सब उधर से निकल गए, सबको अलग अलग जगह, छत्तीसगढ़ सचिन को भेज दिया, किसी को कहाँ भेज दिया, है सारा ये हुआ। तो इसका मतलब ये है कि राजस्थान में काम करने के लिए बड़ा मौका है, और ये जल्दी ही होगा। मेरा ख्याल है कि 48-72 घंटों के अंदर ये काम स्टार्ट हो जाना चाहिए, वो होने के साथ में तभी मुकाबला कर सकते हैं, और ऐसा उनको भी महसूस हो रहा है। बट 2019 से आपके पास बहुत मौका था इंडिया गठबंधन को एक बड़ा मुद्दा बनाने के लेकर, महंगाई पे लोगों सरकारों के, वो तो नहीं कर पाए ना। अब चुनाव के 3 महीने बचे रह गए, तो आप उठाकर भी क्या कर रहे, कितना इफेक्टिव होगा, जनता तक कैसे कम्युनिकेट कर पाएंगे? देखिए इनको अलग अलग गलतफहमियां थी कि ये लोग खुद अपने बल पर सारा कुछ स्थापित कर सकते हैं, वो सारी गलतफहमियां दूर हो गई। ये जो विधानसभा के चुनाव से पता लग गया कि क्या हालत होती है और कैसे होती है, तो उसी के बाद में तो इंडिया गठबंधन का सिलसिला बना, और उसी के बाद में सेक्रीफाइस वाला एटीट्यूड बना, और उसी के बाद में खड़गे जी को कांग्रेस अध्यक्ष बनाया, उसी के बाद में राहुल और प्रियंका को जिस तरीके से जो जगह देनी थी वो देके अलग करके बताया कि कोई किसी वंश की पार्टी नहीं है, सचमुच में एक वैसी है, और बाकी पार्टियों को भी जोड़ने का सिलसिला, जो अखिलेश को बड़ी अलग तरीके से एड्रेस कर रहे थे कमलनाथ जी, वो कहीं और नजर आ रहे हैं अपना, तो अब अखिलेश के साथ में भी और दूसरे लीडर जो है उनके साथ में भी समन्वय वाला सिलसिला चल रहा है, उसके इम्पैक्ट आएंगे। और वो मेरा ख्याल है कि हम लोग कुछ आज जल्दी कर रहे हैं, और 5-7 दिन में ये सारी बातें हो जाएं, तो उसके बाद में ये जो सर्वे आया है इस पे चर्चा की जा सकती है। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।